रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन जय उजाला। आज जो है वो फोर्थ वीक, लास्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह मेरा हेल्दी ईटिंग चैलेंज का। 3 वीक्स मेरे आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किए और काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे। तो बस ये लास्ट वीक है इंशाल्लाह मेरे चैलेंज का, और उसके बाद आई विल लेट यू नो कि मैंने ये जो है वो इंशाल्लाह ये वीक्स मैंने किस किस तरीके से मैनेज किए थे, मुझे जो है वो क्या क्या फ़ील हो रहा था, मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इंशाल्लाह ये वीक हम एंड करेंगे तो उसके बाद मैं इसके बारे में भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी सारी जो भी चेंजेस थी एंड ऑल। सो या आज जो है वो मंडे है, तो अपना जो आज का यानी कि इस वीक का व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मंडे है, मंडे मॉर्निंग, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। मैंने बनाया है ओट्स का पोरेज, ठीक है, मिल्क में, और इसको मैंने ठंडा कर लिया है, और इसके साथ मैं लूँगी अपना कप ऑफ कॉफ़ी। अच्छा जी, तो अभी है लंच टाइम और मैंने बस ये हाफ रोटी ली है, ठीक है, चटनी के साथ, और साथ में सैलड लिया है, तो लंच मेरा आज का ये है। सो अभी है स्नैक टाइम और मैं ले रही हूँ 1 पीच और साथ ही अपना कप ऑफ ग्रीन टी। अच्छा जी, तो अभी है डिनर का टाइम और डिनर में मैं आज मैक्रोनी ले रही हूँ। आई नो दिस इज़ नॉट हेल्दी, बट मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने कीमे वाले मैक्रोनी बनाए हैं। पोर्शन कंट्रोल पे मैंने थोड़ा सा ख्याल रखा है, और सो या दिस इज़ माई डिनर। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम, वी हैव एंटर्ड इन ट्यूसडे, और आज ट्यूसडे का ब्रेकफास्ट में मैंने स्क्रम्बल एग लिया है और साथ ही मेरी कप ऑफ कॉफ़ी। सो या जी, तो अभी लंच में मैंने लिया है चना चाट, ठीक है, और मैंने थोड़ा इसमें दही भी ऐड किया है बिकॉज गर्मियां हैं तो दही का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। सो अभी है स्नैक टाइम और मेरा है ग्रीन टी टाइम। अच्छा जी, तो अभी मैंने मटन फ्राई बनाया है, ठीक है, और ये मैं लूँगी मेरे डिनर में, तो ये है मेरा आज का डिनर और आज के दिन का लास्ट मील। सो अस्सलाम वालेकुम, इट्स वेंसडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और आई एम हैविंग फ्रूट्स टुडे इन माई ब्रेकफास्ट एंड माई कप ऑफ कॉफ़ी। सो या दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ओके जी, तो अभी है लंच टाइम और आई एम हैविंग तरबूज इन माई लंच। अभी स्नैक में तो मैं आइसक्रीम ले रही हूँ बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ग्रीन टी पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैं आइसक्रीम ले रही हूँ इन माई स्नैक्स। यस, अभी है डिनर टाइम और डिनर में मैं ले रही हूँ राजमा चावल, साथ में सैलेड। सो या दिस इज़ माई डिनर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग है और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग अ लिटिल पीस ऑफ पराठा, स्टफ्ड पराठा, और साथ में कप ऑफ कॉफ़ी, तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, तो अभी है लंच टाइम और मैं लंच में ले रही हूँ मज़ेदार किस्म का मैंगो। अच्छा जी, तो अभी है स्नैक टाइम और स्नैक में मैं ले रही हूँ फ्रेश जूस। अच्छा जी, तो अभी है डिनर टाइम और मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, मैं इसके साथ जो है वो यानी कि इसके जो चिकन के पीस है इसके साथ मैं सीधी साइज़ रोटी लूँगी, और ये है मेरा आज का लास्ट मील। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी फ्राइडे मॉर्निंग है और मैं अभी ब्रेकफास्ट में फ्रूट ही ले रही हूँ, साथ ही यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म जो कि है मेरी कॉफ़ी का। सो या दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, तो अभी है लंच टाइम और मैं ले रही हूँ चिकन टिक्का इन लंच। ओके जी, तो मैं आई थी क्रॉन क्लास पे और फ्रेंड ने रिफ्रेशमेंट रखी, तो यही मेरा स्नैक है और अब डिनर भी मेरा यही होने वाला है बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ हैवी चीज़ें हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई फ्राइडे मील। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है वो आज मेरा ये है। सो अभी है लंच टाइम, मज़ेदार किस्म का यहाँ पे चाट का मसाला रेडी कर लिया है मैंने, और साथ में बॉयल चने चाट बनने लगी है यहाँ पे, और ये है मेरा आज का लंच। अच्छा जी, तो अभी है स्नैक टाइम और स्नैक में मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करने लगी हूँ। अच्छा जी, तो डिनर में मैंने बनाया भिंडी की सब्ज़ी और इसके साथ मैं लूँगी सीधी साइज़ रोटी, ये है मेरा आज का लास्ट मील, और इसी के साथ मेरा ये वीक भी एंड होता है और इवन ये मंथ भी जो है वो एंड होता है जो कि था अबाउट हेल्दी ईटिंग चैलेंज मंथ। ओके सो या, इसी के साथ मेरा ये वीक एंड होता है और इवन ये चैलेंज एंड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट होल मंथ, ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी वीडियो बना के शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मुझे ये मंथ कैसा लगा और मैंने जो है वो कहाँ कहाँ चीट भी किया और क्या क्या जो है वो चीज़ें हुई
और उसके बाद मेरी बॉडी में क्या क्या जो है वो चेंजेस आई हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, होप यू लाइक इट, और मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।